नागपुर तालुका के वाड़ी में एक साधारण गरीब परिवार से आने वाली आयुषी वालके को हाल ही में 10वीं की परीक्षा में शीला देवी पब्लिक स्कूल दत्तावाड़ी से प्रथम आने पर शहर में काफी प्रशंसा मिल रही है। कोली लेआउट निवासी नितेश प्रभाकर वालके की छोटी बेटी आयुषी नितेश वालके ने 10वीं कक्षा में पहला नंबर लाकर अपने माता पिता परिवार और शहर का नाम बड़ा किया है। आयुषी नितेश वालके ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। इस अवसर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाड़ी ने आयुषी को भारत का संविधान पुस्तक और एक गुलदस्ता देकर सम्मानित किया और मनसे वाड़ी ने उन्हें आगे की शिक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। मनसे ने आयुषी के माता पिता को भी गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। पदाधिकारी अनिल पारखी ने बहुजनों के बच्चों को शिक्षा ग्रहण कर उच्च पद ग्रहण करने का निर्देश दिया। मनसे के तालुका अध्यक्ष अनिल पारखी ने कहा कि माता पिता को अपने बेटियों को उच्च शिक्षा देनी चाहिए और लड़कों और लड़कियों के बीच भेदभाव किए बिना अपनी बेटियों को शिक्षित करने की पहल करनी चाहिए। ऐसा तालुका आयोजक दीपक ठाकरे द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में आयुषी वालके ने सिविल सेवा विभाग में उच्च अधिकारी बनने की इच्छा व्यक्त की और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को देखते सुनते उनसे प्रेरित हुई और उनके बताए रास्ते पर चलेंगी, ऐसा आयुषी ने कहा। इस दौरान मनसे तालुका के आयोजक दीपक ठाकरे, मनसे तालुका के अध्यक्ष अनिल पारखी के नेतृत्व में ओंकार तलमले, मनसे वाड़ी के उपाध्यक्ष वैभव तुपकर, नगर सचिव अश्विनी कोडापे, विधोबा घुर्डे, संदीप माने, संतोष पाल, सूरज भलावी, नितिन पिथोरे, मुकेश मुंडले, अजिंक्य वागमारे, विक्की वानखेड़े, दिलीप टपरे, किशोर गौर, स्वप्निल सेदामे, राजेंद्र कर्णके, अविनाश घोटेकर आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। आम्ही जो आज सत्कार केला, छोटा सा सत्कार हो का होईना, पण तिला एक प्रेरणा मिळेल पुढे शिकण्यासाठी आणि तिने आई वडिलांचे जे स्वप्न आहे ते स्वप्न पूर्ण करावे आणि आपल्या वाडीचं नाव सुद्धा रोशन करावे। मला पुढे शिक्षण भरपूर मिळवायचं आहे। माझ्या घरची आर्थिक परिस्थिती नॉर्मलच आहे आणि त्यातच मला माझ्या आई वडिलांना त्यांचं नाव मोठं करून द्यायचं आहे। दहावीच्या परीक्षेमध्ये 90% त्यांनी अंक मिळवले, त्याबद्दल आम्ही वाडी माणसेतर्फे त्यांना शुभेच्छा देतो। वाडी से NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।